ऑन, जल्दी फोकस करो। गाइस यार आज मैं सरवाइव करने वाला 100 डे इन माइनक्राफ्ट एंड ओनली वर्ल्ड। गाइस इसके अंदर गाइस कुछ भी रिसोर्स नहीं मिलेगा, ना ही गाइस इसके अंदर मेरे को विलेज मिलेगा, ना ही यार इसके अंदर कोई माइनक्राफ्ट पे कोई सभी मॉब मिलेंगे, ना ही गाइस इसके अंदर ज़ॉम्बी रहता है, ना स्केलेटन, ना क्रीपर, ना गाइस ओवरवर्ल्ड के मॉब्स भी इसके अंदर कोई भी नहीं रहते, सिर्फ ये वीरान जगह रहेगा। इसके अंदर अपने को एक ही मॉब मिलेगा जो कि यार अपना है गाइस एंडरमैन, जो कि पत्ता इधर उधर बूंग बूंग करके टेलीपोर्ट होते रहता है, काफी ज्यादा माथा खाता है, वही मॉब रहेगा। एंड गाइस इसके अंदर सरवाइव करने के लिए अपने को फूड भी नहीं मिलेगा, ना ही गाइस कोई ट्री रहेगा। क्या गाइस मैं सरवाइव कर पाता हूँ कि नहीं गाइस, चलो गाइस वीडियो को देखते हैं। डे वन तो गाइस अपना स्टार्ट हो चुका है, एंड गाइस यहाँ का स्पॉन तो हो चुका है, और पीछे देखो यार पूरा का पूरा यार पूरा एंड स्टोन ही था। लेकिन गाइस जैसे मैं स्पॉन हुआ यहाँ का अपने को एक बोनस चेस्ट पहले से मिल चुका है, मेरे को ये पता ही था। तो चलो अपन चेस्ट को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर अपने क्या ही मिलता है। पहले टॉर्च भी कलेक्ट कर लेते क्योंकि काफी जरूरत भी होता है, और सारा का सारा नाइट में सर्वाइव करना अपने को। इसके अंदर अपने को मिल गया सैपलिंग, थोड़ा बहुत फूड मिल गया, फूड का ही कमी था, यही चाहिए था मेरे को। बाकी तरह सारे जो सैपलिंग यार कुछ भी मेरे काम नहीं आएंगे क्योंकि यार इनका कोई यूज ही नहीं है इसके अंदर, मतलब क्या बोलते हैं डर्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं इसके अंदर, तो क्या ही कर सकते। बाकी कोई नहीं, चलो अपन एक्सप्लोरिंग में लगते हैं। उससे पहले यार थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करने के लिए देख लेता हूँ ताकि इस पर कुछ है कि नहीं। गैस यहाँ तो वैसे अंधेरा हो रहा है, मतलब ये सनसेट हो रहा है इस साइड, और इस साइड देखते भाई कुछ भी नहीं, केवल ही केवल यार एंड स्टोन दिख रहा है। तो मैं गाइस क्यों ना सोचा इस तरीके से मैं सीधा जाके देखता हूँ, शायद अपने को कुछ मिल जाए। गाइस मैं जल्दी एक्सप्लोरिंग के लिए निकल जाता हूँ इस तरह। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड गाइस इस वीडियो में लाइक कर दो और 100 लाइक कर कंप्लीट करा देना। बाकी वाटर कलर देखो, वाटर से शायद इफेक्ट मिलेगा मेरे को, नहीं यार वाटर से इफेक्ट तो नहीं मिल रहा। बाकी यार ये वाटर एकदम अजीब टाइप का, एकदम अलग ही कलर का, माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार ही यार ऐसा वाटर देखा, काफी अजीब है यार। उसके बाद देखो यार अंधेरा होते ही काफी सारे एंडरमैन लोग आ गए, मेरे से काफी लोगों को डर लगा था यार मेरे को यार इससे। तो कुछ मेरे को यार अचानक से यहाँ का क्या दिखा, देखो यार दूर प्यार एक रूइन पोर्टल दिखा, जिसको मैं जल्दी से यार लूटने चलता हूँ क्योंकि यार इसके अंदर काफी यार मस्त लूट रहते। तो गाइस रूइन पोर्टल के पास आया, जाकर मैं चेस्ट खोलने लगा, भाई चेस्ट तो दिख ही नहीं था, गोल्ड का ऑप्शन था भाई, मतलब गोल्ड ब्लॉक था। तो जल्दी से मैं नॉर्मल ब्लॉक को तोड़ लेता हूँ, उसके बाद यार नॉर्मल ब्लॉक को लगा लेता हूँ क्योंकि यार गोल्ड ब्लॉक भी इसके अंदर काफी ज्यादा रेयर है, जाकर लगाता हूँ। गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट कर लेता हूँ, काफी आगे जाकर काम आएगा भाई। यहाँ चेस्ट रहता है, चेस्ट नहीं दिख रहा है यहाँ का, वो भाई ये रहा भाई चेस्ट के अंदर गोल्डन करंट मिल गया भाई, और क्या चाहिए भाई, यही तो चाहिए था खाने का क्योंकि काफी ज्यादा कमी है यार इसके अंदर। बाकी यार यहाँ का और भी कुछ नहीं दिख रहा, चेस्ट को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जल्दी सारा ऑक्सीजन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि नेदर पोर्टल बनाने में काम आएगा। गाइस यार मैं काफी दिन तक ट्रैवल किया, लगभग यार माइनक्राफ्ट के 20 डे तक मैं अभी तक सरवाइव कर चुका हूँ, लेकिन यार मैं कहने एक रूइन पोर्टल के ऊपर गया, दूसरा रूइन पोर्टल नहीं मिला। मैं सोचा गया दूसरा रूइन पोर्टल मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत रिसोर्स तो मिल जाएगा क्योंकि यार किसके अंदर तो विलेज तो नहीं है, तो मेरे को कुछ रिसोर्स नहीं मिला। गाइस मैं एक नया नुस्खा अपनाया जो कि यार अपना माइनिंग का, यार मैं माइनिंग कर ही रहा था तभी गाइस मेरे को पता चला कि मेरा पिकेक्स टूटने वाला है, तो मैं डायमंड का पिकेक्स को यूज नहीं करने वाला क्योंकि यार आगे काफी काम आएगा क्योंकि अंदर काफी मुश्किल से कुछ भी चीज मिलता है, इसके अंदर रिसोर्स कलेक्ट करना काफी मुश्किल था। तो गाइस मैं गाइस और एक्सप्लोर करने निकल गया कि शायद मेरे को कुछ मिल जाता है, यहाँ का लाइट टिप का दिखा तो मैं यहाँ का नया मेरे को मिला है यहाँ का लावा पूल, लेकिन मेरे वाटर बकेट ही नहीं था, लावा पूल का कुछ मतलब ही नहीं है। तो मैं गाइस खोजने लग गया ना आस पास, शायद क्यों मिल जाए, शायद ओपन पे मेरे को आयरन मिल जाए, कम से कम गोल्ड ही मिल जाए तो जिससे मैं थोड़ा बहुत बूट बना सकूं क्योंकि यार ये एंडरमैन यार काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। गाइस ये वाला केव के अंदर आया और गाइस ये केव शुरू होते ही खत्म हो गया, बाकी यार गलती तो मेरी नहीं थी, फिर भी यार मैं अंदर जाके चेकआउट किया यार कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन यार इसके अंदर जहरीले वाटर के सिवा मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर गाइस मैं एक नुस्खा अपनाया, फिर गाइस अपना दिमाग दौड़ाया क्यों ना गाइस अपन चलते गाइस नीदर पे क्योंकि यार इनफ ऑब्सीडियन तो है मेरे पास। तो गाइस पर सीधा के सीधा गाइस नेदर पे जाने लग गए। जैसे ही मैं नेदर पे गया तो देखो यार मेरे साथ क्या होता है, इतना मतलब इतना फाड़ू जगह स्पॉन दिया ना, लिटरली घास भी था
लेकिन घास काफी ज्यादा मेरे को मार रहा था, उधर देखो गाइस पीछे देखो फोड़ ही दिया मैंने नेदर प्लेट को भाई। कोई नहीं, फिल्टर स्टीम लेके भी आया था। उसके बाद जल्दी से यार स्पीड ब्रीदिंग में कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि यार और भी चीज को मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि घास यार काफी जल्दी मेरे को आके भी मार सकता है, काफी दिक्कत करता है घास लूंगी नेदर के अंदर। बाकी यार एक जगह पे आया गाइस जहाँ का विलेज नहीं यार विलेज मिलते हैं क्या बोलते पता नहीं, बाकी ना कहना तोड़ने लग गया भाई नेदर फोर्ट्रेस को। तो मैं सोचा गाइस क्या पता शायद ये वुड होगा तो मेरे को वुड की कमी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वुड की कमी काफी ज्यादा तड़पा रहा था यार मेरे को, क्योंकि अगर मेरे को पिकेक्स बनाना था माइनिंग के लिए। लेकिन यार जब मैं माइनिंग किया उसके बाद मेरे को पता चला कि ये तो गाइस स्टोन था गाइस, मैं खा मखा बेजाब्रम में इसको माइनिंग करने लगा। बाकी यार कोई नहीं यार यहाँ का ना ब्लेज था गाइस, मैं ब्लेज को आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर स्पॉनर भी है ब्लेज का, वो देखो यार ब्लेज आ रहा है। वैसे एक ब्लेज को मैं फाइट करके ही जाऊंगा, और बगैर फाइट करे तो नहीं जाऊंगा। और मेरा फोन यार काफी ज्यादा यहाँ लैग करने लगे, तो पता नहीं यार ब्लेज मतलब आग अपना पहले फेंक रहा था, लेकिन यार मेरे को दिख लास्ट में रहा था। देखो यार आपको ऐसा लग रहा हो कि स्टोन के आर पर मार दे, लेकिन नहीं यार मेरे को लेट यार बग हो रहा था भाई। कोई नहीं यार जल्दी जल्दी इसको भी मार देता हूँ। तो गाइस पहला ब्लेस को तो मार दिया, उसके वजह से मैं अंदर और भी एक्सप्लोर करने जा ही रहा था। तो गाइस कॉपर स्टोन को अपना उठा लेता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा काम है यार। यहाँ का मेरे क्वाड मिला गया तो मैं एक्सपी के लिए माइन कर ही रहा था, फिर मेरे को पता चला यार मेरे कुछ माइन करने का मतलब ही नहीं है क्वाड। फिर उसके बाद एक मेरे को चेस्ट मिला, चेस्ट के अंदर ये सारा चीज़ था भाई, पता नहीं ये क्या भाई एकदम न्यू वाला जो 1.20 में है वो मेरे को मिला। बाकी यहाँ का और भी एक्सप्लोर करता, उसके बाद में मैं सीधा भाग के गया ट्री माइन करने लगे, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेरे को वुड का कमी हो रहा था करके। मैं ट्री भी रिमाइन करके आज जो है जिससे यार मेरा वुड का मतलब कमी दूर हो सके, क्योंकि यार मेरे को स्टिक और गाइस टूल्स बना था जिससे यार मैं माइनिंग कर सकूँ गाइस। तो क्यों ना गाइस अब चलते हैं अपन वापस से फिर से यार माइनिंग में। तो गाइस माइनिंग करने के लिए जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेता हूँ, और भी गाइस काफी सारा वुड हुआ मैं नेदर पे छोड़ के आ चुका हूँ भाई। कोई नहीं यार यहाँ का सिंपल से क्राफ्ट कर लेते भाई, कोई सा भी मतलब क्या बोलते हैं टूल्स जो भी क्राफ्ट करते हैं माइनिंग के लिए उसको अपन जल्दी से क्राफ्ट कर लेते पीकेक्स, उसके बाद चलते यार सिंपल से अपना माइनिंग करने का, क्योंकि यार टूल्स बनाना काफी मतलब आर्मर्स बनाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं अगर स्ट्रिप माइन करने लगा सीधा का सीधा, मैं सोचता यार कुछ भी होगा मरूंगा तो मरूंगा देखा जाएगा। मैं स्ट्रिप माइनिंग किया और इसमें गलती से केव पे गिरने हुई वाला था, लेकिन यार मैं बच चुका। लेकिन जहां का नहीं गिरेगा वहां का पास थी यार आयरन था, जो कि काफी अच्छी बात है। मेरे वर्ल्ड का पहला आयरन मेरे को मिल चुका है, तो जल्दी जल्दी काफी सारे और भी आयरन है इसको एक्सप्लोर करके कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कैसे एक क्या बोलते हैं ये आयरन वाला ब्लॉक मिला गया, मेरे को ये ब्लॉक समझ नहीं आता, लेकिन यार ये रॉ ब्लॉक था मतलब गए एकदम ये वर्ल्ड के अंदर ही दिया था। इसके अंदर काफ़ी सारे आयरन्स मिल घर में, वो काफ़ी अच्छी बात थी यार ये। फिर और भी गए मैं केव को एक्सप्लोर करने लगा, यहाँ आसपास शायद कुछ दिख जाए, शायद कम से कम मॉब स्पॉन हो जाए, रॉटन प्लेस खाने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो मैं गए सीधा सीधा स्ट्रिप माइन करने लग गया, क्योंकि यार मेरे को डायमंड फाइंड करना था करके। गाइस यार इस वर्ल्ड के अंदर मैं काफी ना माइनिंग किया, लेकिन यार मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिला। उसके बाद मेरे को पता चला कि इसके वर्ल्ड के अंदर ही डायमंड एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि यार स्टार्टिंग में इसीलिए डायमंड का पिकेक्स भी दे चुका था। आपको दिखा देता हूँ यार मैं कितना लंबा माइन किया, और ये वीडियो को मैं 2x कर दिया तो इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं दिखाएगा। ये देखो यार काफी ज्यादा लंबा माइन किया यार, लिटरली यार कम से कम रियल लाइफ के 1.5 से 2 घंटे में माइन किया, लेकिन यार मेरे को कुछ भी नहीं मिला। तो गाइस मैं यहाँ का हार मान लिया। उसके बाद गाइस मैं जितने भी आयरन थे गाइस वो सारे आयरन से गाइस मैं वो करने लग गया, क्या बोलते हैं यार मतलब कि जो बोलते हैं ना भाई मतलब फर्नेस में डाल के जलाने वाने वाला काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि यार मेरा ज़्यादा ज़्यादा आयरन का आर्मर बन जाएगा, टूल्स भी जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि जल्दी से मैं 2-3 फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ यार। उसके बाद मैं सीमेंटिंग में लगा दिया सारे को। तो
गाइस मैं आयरन का आर्मर तो पहन चुका हूं, देखो और काफी मस्त लग रहा है। एंड गाइस यही आयरन के आर्मर चार मेरे को एंडर ड्रैगन को मारना है, क्या कहते हो मार पाता हूं कि नहीं गाइस अभी से यार कमेंट में बता दो। बाकी यार वीडियो आ रहा तो मार ही चुका हूं, फिर भी यार एक कमेंट कर ही सकते हो जिससे कि मेरा थोड़ा मूड रीच वगैरह बढ़ सके। तो गाइस मैं ओवरवर्ल्ड में आते गए नाइट चल रहा था यहाँ तक, मैं जल्दी जल्दी एंडरमैन को मारने लग गया क्योंकि यार लोग से एंडर पल कलेक्ट करना था करके, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल था यार नीदर पे एंडरमैन को मारना, तो इसलिए मैं ओवरवर्ल्ड में ही मारने लग गया था क्योंकि यार इन्हीं लोगों के घर में इन्हीं लोगों को नहीं मारूंगा तो और किसको मारूंगा। तो गाइस मैं काफी सारा आईओ फंडर क्राफ्ट कर लिया हूँ, आपको दिखाया नहीं, लेकिन पहले मैं एंडरमैन को मार लिया था, खुद ब्लेस को मार कर आईओ फंडर क्राफ्ट में कर लिया उसको। अब गाइस चलते सीधा सीधा एंडर ड्रैगन को मारने, गाइस एंडर ड्रैगन को मार पाता हूँ नहीं, देखते गए इतने सारे कम हार्ड बच्चे, लेकिन यार मेरे पास ज़्यादा फूड भी नहीं था, जल्दी से माइनिंग में मतलब फाउंड करने लग जाता। उसके बाद गाइस मेरे को मिल गया एक रूइन पोर्टल, रूइन पोर्टल के अंदर गाइस देखो अपने क्या मिलता है, गोल्डन एप्पल मिल गया भाई, जिसको कि मैं खा कर अपना एक्सपी फुल कर सकता हूँ। तो फाइनली गाइस अपने को एंड पोर्टल मिल चुका है, साथ ही साथ एंड पोर्टल फ्रेम भी मिल चुका है। तुम गाइस मैं गाइस जल्दी से चलता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने, उससे पहले यार ये कौन सा सिल्वर फिश का गाइस स्पॉनर था इसको तोड़ देता हूँ, एंडर ड्रैगन जल्दी से आईओ फंडल लगा लेता भाई सारे पे। एंड गाइस एंडर ड्रैगन को मारने मेरे को काफी डर लग रहा है क्योंकि आयरन का आर्मर गाइस ज्यादा डैमेज खाता है यार, तो चलो क्यों ना गाइस अपन एंडर ड्रैगन को मारते हैं, उसके बाद गाइस मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फाइनली गाइस यार मैं एंडर ड्रैगन को ही मार चुका हूँ यार, काफी ज्यादा मुश्किल पड़ा यार एंडर ड्रैगन को मारना, लेकिन यार मैं तो यार एंडरमैन को मार चुका हूँ। तीसरी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, अपना गोल तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी यार इसके अंदर घर तो बना ही नहीं सकते क्योंकि यार